बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, दिस इज शगुफ्ता एंड मोस्ट वेलकम माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्लीट कोर्स ऑफ एडोब इनडिज़ाइन इन वन क्लास। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने एडोब इनडिज़ाइन CS6 वर्जन इंस्टॉल किया है और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में जाकर न्यू क्लिक करेंगे। थोड़ा सा जूम ओपन करती हूँ मैं, बिकॉज आई वुड लाइक टू डिफाइन दिस पेज। अब देखिए, ये वही है जो आप पहले इन पेज वगैरह में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ पेजेस आ रहा है, स्टार्ट पेज आ रहा है कि कौन से पेज से स्टार्ट हो, पेज का साइज़ आ रहा है, ये सब नॉर्मल सेट है। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज सो यू क्रिएट चेंजेस, ठीक है। अगर आपको लेटर साइज़ के अलावा कोई और पेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, विड्थ और हाइट आ रही है कि पेज की विड्थ और हाइट कितनी चाहिए। ओरिएंटेशन यानी कि पेज लंबाई में ज़्यादा हो, चौड़ाई में कम हो तो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। और लैंडस्केप यानी कि उसका अपोजिट। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम के एक पेज में कितना जो है कॉलम आपके आए। अच्छा, उसके अलावा गिटर है, गिटर आपका होता है बाइंडिंग एरिया होता है। अच्छा, उसके अलावा मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट, ठीक है, टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड राइट लेफ्ट होता है। सब नॉर्मल पर सेट है, चेंजेस करना हो तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके कर दिया हमने। और ओके करने के बाद सबसे ऊपर जो बार आ रही है कहते हैं टाइटल बार, दिस इज़ मेन्यू बार एंड दिस वन इज़ कंट्रोल बार, ठीक है जी। इस बार को हम क्या कहते हैं, ये हमारी कंट्रोल बार है, ठीक है, और ये हमारे टूल्स हैं। ऑल बार्स आर ओपन थ्रू विंडो, देखिए विंडो के ज़रिए आप कंट्रोल बार भी ओपन कर सकते हैं। और ये देखिए, कंट्रोल बार भी विंडो के ज़रिए ओपन कर सकते हैं, विंडो मेन्यू के ज़रिए और टूल बार्स भी, ठीक है। बिकॉज यू कान डू वर्क विदाउट यूज़ बोथ बार, ठीक है। अब आप जो है, आपको इस पे जैसे भी वर्किंग करनी है, इस पे हम एडोब इनडिज़ाइन न्यूज़पेपर का लेआउट, मैगजीन्स वगैरह का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट इस पे आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम इस पे डिज़ाइनिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ से टाइप टूल लिया, टाइप टूल देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ टाइप टूल का। टाइप टूल में जो है हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, एरिया ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके अंदर लिखेंगे हम। जैसे कि मैंने एरिया ड्रॉ किया, इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, ठीक है जी। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम देखिए कंट्रोल बार के ऑप्शन, कंट्रोल बार गेट ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड टूल। जो भी आप बार लेंगे, सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक ये कंट्रोल बार चेंज हो जाएगी। यहाँ से हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, नीचे ये ऑप्शन आ रहा है, ये भी ये सारे टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन है। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, आप इसको उसका पता चल जाएगा। देखिए सारे, ये देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिए, ये ऊपर नीचे इसका साइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसके क्राइटेरिया के नीचे आ रहा है, तो क्राइटेरिया में हमने ये काम किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको नीचे के एरिए में काम करना है, हमने यहाँ से टाइप टूल लिया, टाइप टूल लेकर हमने यहाँ ड्रॉ किया एरिया, और टाइप में इन फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है जी। अभी तो हमने टाइम बचाने के लिए, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है टाइप में फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ये ले लिया। वरना फिर इसके अलावा हम जो है रियल में जब न्यूज़पेपर का लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जाहिर ही बात है कि हम फिर जो उससे रिलेटेड टेक्स्ट है वही लिखेंगे। हम इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है जी। ये नॉर्मल इसको टेक्स्ट लिखना वगैरह मैंने बताया है। अच्छा, अगर आपको आपको कलर देना है, ये टेक्स्ट है। अब अगर आपको बॉक्स को कलर देना है, बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है फिल कलर,
ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। फिल कलर पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए इसकी ये बार ओपन हो गई। अब ये कलर आ गया, देखिए किस में आया, बॉक्स पे, क्योंकि आपने बॉक्स सेलेक्ट किया था। इधर अगर लाइन कलर देना है तो यहाँ लाइन कलर पर क्लिक किया हमने, ये देखिए कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। अब ये देखिए लाइन कलर आ गया ऊपर, इसके ऑप्शंस आ रहे हैं सारे। देखिए लाइन का कलर की भी, अगर आपको विड्थ वगैरह बढ़ानी है आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल जेड से बैक चली गई मैं। इसी तरह अगर आपको टेक्स्ट टूल पे हमें जो है ना कोई डिज़ाइनिंग अप्लाई करनी है, हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल पे जो है ना इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस पे अगर हमें फिल कलर अप्लाई करना है तो हमें यहाँ से हम इस पे फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ कलर बन रहा है वही आपका ओके करने पे बाहर भी बनेगा। ठीक है जी, सही है जी। साइज़ अगर बड़ा छोटा करना है, हम यहाँ से साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर, लेफ्ट, राइट, तो ये सारे वही ऑप्शन हैं जो है वो ऑलरेडी लर्न इन वर्ड। ठीक है, अब मैं देखें जैसे कोई अगर न्यूज़पेपर हम डिज़ाइन करते हैं या कोई मैगजीन्स डिज़ाइन करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके हर पेज पर टाइटल आ रहा होता है, पेज नंबर वगैरह आ रहे होते हैं, और पिक कैसे लेंगे इसमें, ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे मास्टर पेज बनाना सीखेंगे। मास्टर पेज के ज़रिए ही आपको ये भी पता चलेगा कि हम न्यू पेज अपने काम में कैसे ले सकते हैं। तो मास्टर पेज बनाने के लिए आप फर्स्टली यू विल टेक न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। देन न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद यू विल गो विंडो एंड क्लिक पेजेस। ठीक है जी, विंडो में जाएंगे और पेजेस क्लिक करेंगे। पेजेस क्लिक करने के बाद देखिए एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, इतनी तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें से फर्स्ट ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, देन यू विल सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम डाउन साइड। फर्स्ट ऊपर वाला सिलेक्ट करने के बाद नीचे दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेंगे, और कोई सा भी एक सिलेक्ट करने के बाद ये बटन आ रहा है इसमें, यहाँ जाएंगे और प्रेस करेंगे, और ऑप्शन आ रहा है डिलीट मास्टर पेज, तो क्लिक करेंगे और एक मास्टर पेज डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हम जो यहाँ वर्क करेंगे वो हमारा मास्टर पेज है। जैसे कि हमने यहाँ टाइप टूल लिया, ठीक है जी, थोड़ा सा इसको टाइप टूल का क्राइटेरिया ऊपर कर लेते हैं। लिखा इसमें, सिलेक्ट किया इसको, देन इंक्रीज साइज, ठीक है जी। राइटिंग स्टाइल काफ़ी आ रहे हैं इसमें, चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, कोई सा भी राइटिंग स्टाइल ले लें आप। अच्छा, इसके अलावा इसको हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा क्राइटेरिया में नीचे की तरफ इसको लेके आएंगे। ये ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये बेस लाइन शिफ्ट आ रहा है इसका नाम है। बेस लाइन शिफ्ट से हम इसको क्राइटेरिया में नीचे की तरफ लेके आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद हम साइज छोटा करेंगे इसका।
किसका साइज छोटा कर रहे हैं हम? राइटिंग का साइज छोटा कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मास्टर पेज पे कुछ लिखने का मकसद है कि वो हर पेज पर खुद ही आ जाएगा। अब हमें इस पर पिक्चर लगानी है, तो आपको पता है कि पिक्चर लगाने के लिए या कोई भी लोगो लगाने के लिए हम यहाँ से ये जितने भी ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल, एलिप्स फ्रेम टूल, पॉलीगोनल फ्रेम टूल, जितने भी ये टूल आ रहे हैं, ये हमें लेना है। ड्रॉ किया हमने और इसके अंदर पिक्चर लाने के लिए फाइल में जाके प्लेस में जाएंगे और प्लेस की मदद से पिक्चर लेकर आएंगे। अब देखिए पिक्चर इसमें आ गई, लेकिन ये देखिए, यू नो द शेप इज़ वेरी लार्ज रादर देन पिक्चर, सो आई वुड लाइक टू एडजस्ट दिस पिक्चर अकॉर्डिंग टू दी शेप। सो दैट्स वाई मैं क्या करूँगी, इस पिक्चर को शेप के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए राइट क्लिक करूँगी, और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है फिटिंग में जाकर, फिट कंटेंट टू फ्रेम, ये क्लिक करूँगी। फिटिंग में जाकर ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक किया और फिटिंग में फिट कंटेंट टू फ्रेम। तो देखिए ये पिक्चर, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया, फिटिंग में जाकर फिट कंटेंट टू फ्रेम, ठीक है जी। तो ये इसके मुताबिक एडजस्ट हो गई। अब देखिए मैंने इस पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट तो मैं बाद में लिखूंगी, अभी जो हेडर फुटर पर हम करेंगे वो हर पेज पर आ जाएगा। अब मैं टाइप टूल लिया मैंने, अब टाइप टूल ऐसी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह के लेआउट डिज़ाइन होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा फुटर में, पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर हमने यहाँ सिर्फ हेडिंग डाली है, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं ताकि वाज़े नज़र आए। और पेज नंबर लेके कैसे आएंगे हम? टाइप, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, मार्कर्स, करंट पेज नंबर। ठीक है जी। अब ये पेज नंबर देखिए अभी ये आ रहा है, जब हम इसको नॉर्मल पेज में चेंज करेंगे तो ये फिर, तो थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करती हूँ मैं, जब नॉर्मल पेज पे चेंज करेंगे तो ये फिर और वो हो जाएगा। अच्छा अब आपको कुछ और वर्क करना है इस पर, कुछ और वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको A1 पर डबल क्लिक करेंगे। अब हम जितने भी पेजेस लेंगे इस पर, अच्छा मैंने आपसे कहा था अगर आप ये मास्टर पेज जब ऑन करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक, डबल क्लिक में जो आपको तरीका बताया है बिल्कुल उसी तरह से करना है, लेकिन जब आप मास्टर पेज में पेज नंबर डालते हैं ना, यहाँ जाके टाइप में जाके इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर में मार्कर्स में करंट पेज नंबर, तो ये ए आता है, और जब आप इसको नॉर्मल पेज पर चेंज करते हैं तो बहुत बहुत 1 2 3 हो जाता है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इसको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं, देखिए ए ही आ रहा है यहाँ। अभी मैं फ़िलहाल क्या करती हूँ कि इसका
पेज नंबर का साइज ही बढ़ाती हूँ। कभी थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। एरो टूल से इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जिस क्राइटेरिया को हमने टेक्स्ट से सिलेक्ट किया है, और इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। और टाइप टूल लेते हैं यहाँ से, यानी टेक्स्ट टूल, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको वाइट कलर दे देते हैं जरा। थोड़ा सा बेस लाइन शिफ्ट कलर को, सॉरी बेस लाइन शिफ्ट को वो करते हैं ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए। अच्छा नाउ अब जो हमें लिखना था वो हमने लिख लिया है, इसको सेंटर में ले आते हैं। और अब यहाँ जाएंगे, ये A1 जो आ रहा है, गौर से देखिए, इसको डबल क्लिक करेंगे। तो जब हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए पेज नंबर A के बजाय 1 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से जितने भी पेजेस लेंगे वो हर पेज पर, देखिए पेज नंबर 2 आ रहा है, पेज नंबर 3 आ रहा है, मास्टर पेज है, तो हर पेज पर ये आ गया। ठीक है, अब आप जो पेज चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इस पर कोई न्यूज़ वगैरह लिखनी है आप न्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से टैग टूल लेकर क्राइटेरिया ड्रॉ किया और यहाँ टेक्स्ट लिखा, ठीक है जी। लेफ्ट पे ही रहने देते हैं इसे। हम कर्सर नीचे लेकर आते हैं, साइज छोटा करते हैं और टाइप में फिल इंसर्ट फिल विद प्लेस होल्डर टैक्स कर देते हैं ताकि टैक्स आ जाए इसके अंदर। इसी तरह देखिए मास्टर पेज बनाना आपने सीख लिया है, मतलब इधर भी कोई पिक्चर लगानी है, मैंने यहाँ रेक्टेंगल टूल लिया, एक लेकर ड्रॉ किया। और फाइल प्लेस
चले आते। और राइट क्लिक। अच्छा, इसको भी राइट क्लिक, फिटिंग, फिट कंटेंट टू फ्रेम। अब हमें कोई और टेक्स्ट लिखना ही है। मैं आपका माइंड क्लियर कर रही हूँ कि आप किस तरह से न्यूज़पेपर के लेआउट में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, वो एक पेज में जब कॉलम लेते हैं, वो भी मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि आप एक पेज में कॉलम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब टेक्स्ट लिखते हैं इसमें। साइज बड़ा करते हैं। सिलेक्ट करके बेस लाइन, टाइप टूल, क्राइटेरिया, टाइप, फिल विद प्लेस होल्डर टैक्स। कॉपी ली इसकी ऑल्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से। ठीक है जी, तो ये हमने न्यूज़पेपर का लेआउट डिज़ाइन किया है, और इसके अलावा हमने आपको मास्टर पेज भी बनाना बताया। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। Remember me in your prayer. Allah Hafiz.